देखिए सरकार, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार ने बुरी तरीके से जीएसटी से इस देश को आहत कर दिया है। देश की अर्थव्यवस्था चलनी चलनी कर दी है। दाल चावल आटा गेहूं हर चीज पर जीएसटी लगा ली, यहाँ तक के शॉर्पनर पेन पेंसिल हर चीज के ऊपर। ये ताराशाही नहीं तो और क्या है? आप मुझे बताइए, ताराशाही नहीं चलेगी, ताराशाही नहीं चलेगी। हमारा ये बोलना है कि जीएसटी वापस लिया जाए। जो जीएसटी 5% खाने के पदार्थ में लगाया है वो वापस ले, डीजल के दाम कम करे, पेट्रोल के दाम कम करे, गैस सिलेंडर के दाम कम। हमारे तीन बातों के लिए आंदोलन है। एक तो युवाओं को रोजगार, जीएसटी लगा दिया हर चीजों पे, और हमारे सम्मान की यह लड़ाई है, आम जनता के लिए लड़ाई है। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्मृति ईरानी कहाँ गई है? जो जूते चप्पल लेके महंगाई में दौड़ती थी, कहाँ है वो? बुलाओ उनको, बुलाओ। कहाँ है वो? स्मृति ईरानी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जीएसटी पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। मोदी साहब पे हल्ला बोल, हल्ला बोल। आज देशामध्ये जी परिस्थिती आहे त्याच्यामुळे लोक महागाई आणि बेरोजगारीमुळे त्रस्त आहे, आणि हे मुजोर सरकार नरेंद्र मोदींचं हे लोकसभेमध्ये सांगतं की महागाई नाही आहे, देशामध्ये काहीही प्रॉब्लेम नाही आहे। आज तुम्ही कुठेही जाऊन बघा, कुठल्याही गावात जा, कुठल्याही शहरामध्ये जा, लोक बेरोजगारीमुळे परेशान आहे, लोक महागाईमुळे परेशान आहे, आणि याचं या सरकारकडे कुठलंच उत्तर नाही आहे। आणि लोकांचं परसेप्शन मॅनेजमेंटमध्ये फक्त हे सरकार व्यस्त आहे, आणि आज तेच करण्यासाठी राहुलजींवरती, सोनियाजींवरती ईडीची कारवाई करण्यात येते। सोदा कारण ज्यांना लोकांचं जे ध्यान आहे ते त्यांना भटकवण्याचं आहे, हाच त्यांचा फक्त एक एजेंडा आहे। तर नागपूरमध्ये महिला मोठ्या संख्येनं आंदोलनामध्ये, काँग्रेसच्या कार्यकर्ता मोठ्या संख्येनं आंदोलनामध्ये उतरल्या। एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट।